स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रेल कोच रेस्टोरेंट के बारे में, जो कि पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ में दोस्तों आप लोगों को इसके आलिशान रेस्टोरेंट के बारे में और इसकी फ़ोटो आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पहले रेल कोच रेसरा का मंगलवार को पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। रेलवे अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि रेसरा की स्थापना रेलवे के रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स या फूड ऑन व्हील्स के तर्ज पर की गई है। इस पहल के तहत पुरानी ट्रेन के कोचों का नवीनीकरण किया जाता है और उन्हें रेल कोच रेस्तरा में परिवर्तित किया जाता है। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वातानुकूलित रेस्तरा में यात्री स्टेशन पर ही किफ़ायती दरों पर भोजन का आनंद ले सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ये सुविधा रेल यात्रियों और आम जनताओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध होगी और उन्हें एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगी। ये भारतीय रेलवे के फिरोजपुर खंड का दूसरा ऐसा रेस्तरा है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहले रेल कोच रेस्तरा का उद्घाटन किया गया था। कटरा में शुरू हो चुका है रेल कोच रेस्तरा। बता दें कि इससे पहले कटरा में भी रेल कोच रेस्तरा की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर अपना पहला रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किया। रेलवे के एक पुरानी डिब्बों में ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर 2023 को इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की। रेल के इस डिब्बे में विशेष तरह की आधुनिक साज सज्जा की गई है। इसके अंदर बैठकर लोग स्टेशन पर ही स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। 24 घंटे लोगों को, रेल यात्रियों के साथ साथ आमजनों के लिए ये खाने की सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। एक अच्छी बात यह भी है कि ये लोगों को किफ़ायती दरों पर खाना मिलने वाला है। 5 वर्षों के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुनर शुरू में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।